मेरा नाम शानी खान, डिस्ट्रिक्ट अटक और विलेज मंदरोटा। घोड़ों का शौक़ मेरे महल से बचपन में था, लेकिन जो मैंने अपनी परचेज़ की है, मैं उसकी बात करता हूँ कि जो अपने कंधों पे आके काम किया है, शौक़ वो मेरा है, तो वो 2010 से स्टार्ट किया है। देखिए, कोई भी शौक़ है, कोई चीज़ है, ना महंगी है ना सस्ती है, ना उसको महंगा लेके चलना चाहिए ना लोगों को डराना चाहिए कि महंगा है या सस्ता है। घोड़ों का शौक़ है, हर बंदा कुछ कोई ना कोई शौक़ करता है ज़िंदगी के हर जगह पे, हर बंदा कोई ना कोई शौक़ करता है, तो मैंने घोड़ों का शौक़ कर लिया। सर, एक्चुअली एक मेला है, उस मेले में सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, तो पंजाब से काफ़ी ज़िला से लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम कामरान नियाजी है जी, मैं मियाँ वाली से आया हूँ यहाँ शानी भाई के इनविटेशन पे मेरिया टाउन नेज़ाबाजी करने के लिए। जी, मेरा नाम अताउल्ला वर्मा है, जंग से मैं आया हूँ जी शानी भाई की दावत पे। ये मेरिया टाउन वाला जो मेला है, यहाँ पे एज ए पार्टिसिपेंट आया हूँ। शेर यजदा नेज़ाबाज क्लब से मेरा ताल्लुक है जी। इस घराने के साथ, शानी खान के साथ मेरी 14-15 साल से दोस्ती है जी। हम भाई हैं, हम दुबई में भी इकट्ठे होते हैं। हम लोग पिछले 14-15 साल से इकट्ठे ही सारे मेलों में, सारे इवेंट्स में इकट्ठे हैं। सारे दोस्त सारे मिलजुल के हर जगह पे हर इवेंट्स में इकट्ठे होते हैं। मंदरोटा चैम्पियन मैंने कराई थी 2021 में 31 अक्टूबर को। पहले दिन ही 62 टीम अलाउंस हुई थी और लास्ट डे भी ही 62 टीम्स थी, और 62 की 62 टीम्स उसमें पार्टिसिपेट थी, कोई टीम उसमें मिसिंग नहीं थी। ब्रीड्स मेरे पास हाल 4-5 ब्रीड्स हैं। देसी है, इंडोनेशियन है, अरब में दो हैं, एक स्ट्रेट इजिप्शियन है और एक प्योर अरब है, उसके अलावा फ्रीजियन है और एक डच हार्नेस है। मेरे ख्याल से तो नहीं होती, कोई मौसम का इशू नहीं होता। हाँ, गर्मियों में जो ख़ास तौर पे वही एक गद ब्रीड है जो फ्रीजियन है, उसको कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। अरब और स्पेनिश तो वो तो सेम वेदर में रहते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लोगों को मंगाने चाहिए घोड़े, अच्छे ब्रीड में लेके आने चाहिए। मैं जो है वो इनका टेक केयर और घोड़ों का खाना पीना जो है, और उसके बाद जो इनका ट्रीटमेंट है, ट्रिमिंग फेरियर है, वो बाकी हर चीज़ देखता हूँ। इधर ये अरेबिक हॉर्स है जिसकी अभी हमने क्लिपिंग स्टार्ट की हुई है। बेसिकली ये शो हॉर्सेज है, खूबसूरती वाले घोड़े। तो इनका कंपटीशन पाकिस्तान में तो कम ही होता है, एक दो जगह पे, ज़्यादातर जो है वो यूएई में, कतर में और पेरिस, न्यूयॉर्क, इन मुल्कों में ज़्यादा होता है शो हॉर्सेज कंपटीशन। इसमें यह है कि इसकी आइज की क्लिपिंग करते हैं, फेस जो है वो क्लीन किया जाता है, और इसका माउथ जो है वो, और बेसिकली जो चीज़ें इसमें देखी जाती हैं वो इसकी आइज हैं जो बाहर की तरफ हैं, जिनके पॉइंट मिलते हैं हमें। इसका फेस चौड़ा है, गर्दन होती है, उसके अलावा बॉडी कंडीशन जो है, फिर उसके बाद मूवमेंट आती है, जो कि सारी चीज़ें घोड़े में देख के उसके बाद जो है वो विनिंग अवार्ड दिया जाता है। जो कि इन चीज़ों में खूबसूरत घोड़ा हो या सारी खूबियाँ उसमें मौजूद हों, तो उस घोड़े को जो है वो विनिंग अवार्ड वहाँ पे दिया जाता है। इस तरह का घोड़ा हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास है बाबुल अलजुबैर, ये घोड़ा भी जो है वो एक विनर घोड़े का बच्चा है।
शानी खान जो हमारे भाई हैं और पंजाब की सकाफत के अमीन भी हैं, उनकी दावत पे हम यहाँ हाजिर हुए और मैदान सजा हुए, घोड़े दौड़ रहे हैं और हम लोग मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं जी। एक्चुअली जो पहले सबसे पहले बात है ना, घोड़े की सिलेक्शन का मसला है, वो हमें प्रॉपर नए लोगों को जो भी वो देखते हैं वो उठा के आ जाता है। घोड़ों की सिलेक्शन होनी चाहिए अच्छी, परचेजिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद वहाँ पे क्वारंटाइन के लिए 15 डेज होते हैं, फिर शिप जो वहाँ से आता है बाय एयर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देखें जी, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है देसी का या थोरोब्रेड का या मिक्स का, लेकिन हम इस चीज़ के बिलीवर नहीं है। एक ख़ास किस्म की कॉन्फर्मेशन और एक ख़ास किस्म का टेम्परामेंट चाहिए होता है घोड़े का, वो किसी ब्रीड में भी हो, गुड इनफ फॉर अस। देखें, एक तो जी स्टेमिना, बोन स्ट्रक्चर, बोन डेंसिटी, और थोरोब्रेड्स में भी बहुत खूबसूरत घोड़े हैं जो देसियों के मुकाबले में, मेरी नज़र में थोरोब्रेड एक सुपीरियर ब्रीड है जिस काम के लिए भी आप उसको इस्तेमाल करें, आउटराइड्स कर लें, शो जंपिंग कर लें, रेसिंग कर लें, एज इसी तरह टेंट पैकिंग। ब्रीडिंग में मैं जा रहा हूँ जी आगे, जो मेरी स्पेनिश है उसमें मेरे पास 4 मेयर्स हैं, तो वो उसकी मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, और एक अरब है मेरे पास मेयर। हमारा ब्रीडिंग प्लान जो है वो कुछ स्पेनिश और देसी क्रॉस हमने करवाए हैं घोड़ों से, देसी घोड़ियाँ भी हमने मिलवाई हुई हैं, क्योंकि उसके बाद अरेबिक है हमारे पास, अभी जो है वो नई ब्रीड में कुछ नए बच्चे हमारे पास आए हैं। उसके अलावा हमारे पास देसी नेजाबाजी वाले घोड़े हैं, उनमें जो है अच्छे घोड़े हैं, जो आज भी अभी खबर मिली है कि जो हमारा इधर का मेरिया में हो रहा है उसमें भी जो है वो हमारा घोड़ा विनर है सिंगराल। आई लव टू वॉच हिज हॉर्सेस, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त घोड़े इम्पोर्ट किए हुए हैं, और उनमें से एक मेरा जो फेवरेट घोड़ा है वो डच हार्नेस है। मेरा ख्याल है इस किस्म की ब्रीड्स को ला के अपनी ब्रीड्स के साथ मिक्स करके हमें कोई नई ब्रीड तैयार करनी चाहिए जो कि हमारी मौजूदा ब्रीड से सुपीरियर हो, कद में बड़ी हो, खूबसूरत हो। हमारे पास देसी हॉर्सेस जो कि यहाँ पंजाब में अक्सरियत उनकी मौजूद है, हमारे पास भी देसी घोड़ों की कलेक्शन है, और हमारी कोशिश है कि हमारे स्टड फार्म में भी आला से आला घोड़े जैसे मौजूद हैं इससे भी बेहतरी हो। ब्रीडिंग पर्पस पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको में बेहतरी हो सके, और मैदानों में भी जो अच्छा परफॉर्म करने वाले घोड़े जो हैं वो इकट्ठे हो सके। उसके लिए घोड़ियाँ रखी हुई हैं हम लोगों ने, और उस पर अच्छे अच्छे घोड़ों को क्रॉस करके बेहतरीन रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं, और इस गेम को जिस रंग से भी अच्छा किया जा सके हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उस रास्ते पे चला जाए। सर मीडिया भी क्या, आप लोकल लेवल पे गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देती तो मीडिया तो बेचारी वो क्या करेगी, कौन अपने आप से आके लगाए और उसको टेलीकास्ट करे और चलाए। और पहले 90s में या 2000 में वो हुकूमती सतह पे ज़्यादा कराए जाते थे, प्राइवेट मेले कम होते थे। अभी हुकूमती सतह वाले में हाल 4-5% रह गए। अभी लोग अपनी एफर्ट खुद करके और वो मेला लगाते हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है जी, कोई कुछ भी नहीं है, ये सारे भाई ये अपने खर्चे पे खुद मेला भी कराते हैं, और जो आने वाले हैं उनका भी शुक्रिया होता है क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के आते हैं। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, वो टाइम निकाल के आते हैं, गाड़ी किराए हर चीज़ें करके 2-3 दिन स्टे करना, ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो आते हैं और गेम को एंजॉय भी करते हैं और खेलते भी हैं, टाइम भी देते हैं। वो जो मेहमान आता है उसको अपना अपना घर पता होता है, अपनी अपनी यारी दोस्ती पता होती है, ये हमारा ट्रेडिशन भी है, कल्चर भी यही है हमारा, तो वो उसको आके कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर उनका जहन बैठता हो कि ये जगह मेरे लिए अच्छी है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। घोड़े का तो दुख वगैरह तो कोई नहीं है, एक दुख था जो मेरा अपना घोड़ा जिसको मैं स्पेन से खुद इंपोर्ट किया था तो मेरी आंखों के सामने खड़े खड़े गिर के मर गया, उसका था वो मेरा फेवरेट घोड़ा था। शौक तो पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहा है जी, नए आने वाले लोग भी काफ़ी हो रहे हैं,
काफ़ी अच्छा शौक है, लोग अगर आ जाएँ इसमें तो बंदा कहीं ना कहीं बिजी रह जाता है इसमें, घोड़ों के बारे में सोचता रहता है। घोड़ों के साथ साथ अपने बिजनेस को भी टाइम दें, अपनी जॉब को भी टाइम दें, तो साथ साथ ये पार्ट टाइम भी अपने आप को बिजी रखने के लिए अच्छी चीज़ है और लोग काफ़ी आ रहे हैं इसमें। जीत तो मेरी वो थी कि जब मैंने मंदरोटा चैम्पियन कराया था तो वो मेरे दोस्त मुझे, मेरे भाई सारे कहते हैं कि यार बहुत अच्छा मेला था। मैं अपनी ज़बान खुद नहीं कहता कि यार मैंने कराया जी, तो उसमें मैंने फूल जुड़िया नशके काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो लोग कमेंट करते हैं कि अच्छा किया है, तो उसमें खुशी होती है। तो वो इवेंट हमने विन किया था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है जी। और शानी खान के पास मैं तो आता रहता हूँ जी, शानी भाई बड़े ज़बरदस्त होस्ट हैं। मेरा इरादा तो मैं यही चाहता हूँ कि जी जो चार दिन की ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुजारा जाए, और जिस शौक़ में मैं हूँ या जिस जो काम मैं खुद करता हूँ, चाहे वो मेरा शौक हो, चाहे वो मेरा बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, तो उसमें मैं खुद इंटरेस्ट ले के करता हूँ। तो अभी तो मेरा प्लान एक और है कि मैं एक दरिया के ऊपर मैंने ज़मीन ली है, वहाँ पे एक फार्म हाउस बना रहा हूँ और वहाँ पे ही इस ग्राउंड बनाने का इरादा है, और उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकूँ तो देखें गेम में आगे क्या होता है, लेकिन मेरी सोच ये है। मुश्किलात तो मैं किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेता, मुश्किलात कोई भी नहीं आई मुझे, और बाकी मैंने कोशिश की है कि उसको अच्छे से अच्छा ले कर चलूँ और एक नई चीज़ क्रिएट करूँ, और जो लोगों ने नहीं की हुई, क्या पता की भी हो, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो अच्छे से अच्छा हो सके और गेम में बेहतरी हो सके वो किया।